आज मैं इस लुक क्रिएट कर रही हूँ किस लिए, दिवाली के लिए। दिवाली बहुत ही करीब है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो देने के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा एंड सब मेरे सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप लोग पटाखा नहीं फोड़ेंगे तो बहुत अच्छे होगा बिकॉज इस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए। सो देन आप लोगों का इस वीडियो में बहुत सारा टिप्स मैं दूँगा एंड जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ किया है अंडर 500 रुपीज़ के अंदर या फिर 600-700 रुपीज़ के अंदर ही किया है। एंड दिवाली के लिए बहुत सारे ऐप्स में सेल चल रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका, आप लोग जाइए एंड थोड़ा सा शॉपिंग करके लेके आइए। मैं भी किया है छोटा मोटा। देन सो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में जो छोटे सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, बाद में वीडियो देखिए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जा सके। एंड आप लोग चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटी टिप्स एंड और भी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देता हूँ। फॉलो कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मुझको, मैं उसमें भी बहुत सारे ब्यूटी टिप्स देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फादर एंड टू। जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मॉइस्चराइज करना। सो मैं इसलिए मॉइस्चराइज करने के लिए गुड वाइब्स का रोजिप एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है। एक बहुत ही अच्छे एसेंशियल यानी कि सीरम ऑयल है जो स्किन को बहुत अच्छी तरीके मॉइस्चराइज कर देता है एंड डीपली मॉइस्चराइज करती है, जो अपना फाउंडेशन देना तो अब बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है एंड एक ग्लो भी प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद मैं प्राइमर के यूज़ करूँगी, यानी कि दिवाली है सो हम लोग पटाखा जलाएंगे, बहुत सारा धमाका करेंगे। सो इसके लिए प्राइमर को मेकअप को कुछ टिका रहना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं प्राइमर यूज़ किया है कलर बार का। देन उसके बाद मैं यूज़ किया है जो फाउंडेशन के लिए यूज़ किया है वो है स्टेकोयर्की का, एक बहुत अच्छे फाउंडेशन है एंड अफोर्डेबल में है, मेरे स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जाता है एंड बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है, एक मैट फिनिश ग्लो प्रोवाइड करती है। सो मैं डैब डैब करके मेरे पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया या फिर मेरे पूरे नेक पे भी अप्लाई किया, नेक ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर लिया। देन उसके बाद मैं यूज़ किया है कॉन्सीलर। सो कॉन्सील करने के लिए जो मैं इतना कम प्राइस में कॉन्सीलर यूज़ किया है ना, आप लोग सोच ही नहीं सकते। सो ये डार्लिंग इज़ेबेला का कॉन्सीलर बहुत ही अच्छे कॉन्सीलर है, purple.com में मिलता है। सो मैं मेरे अंडर आई एरिया, चीक बोन, क्यूपिक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज एंड लिटिल बिट फोरहेड में यूज़ कर लिया। सो इसके बाद मैं इसको भी ब्लेंड कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। मैं जिससे इस ब्लेंड कर रहा हूँ वो है एक बहुत अच्छे ब्लेंडर जो है मैं न्यूली ख़रीदा है नायका से, यह पैक का ब्लेंडर, 4 पीसेस आता है एक पैक में, आप लोग खरीद सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगी या फिर मैं जो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। पूरा के जैसे नाक को भी तो ठीक करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कॉन्टोर करूँगी। सो कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ किया है पर्पल का कॉन्टोर स्टिक, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग का कॉन्टोर स्टिक है। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है एंड इसका जो पैकेजिंग है एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है, सो आप लोग बहुत ही खरीद सकते हो। देन यूजुअली जो जो पॉइंट पे मैं कंट्रोल करती हूँ, फोरहेड, ब्रिज, चिक्स एंड जॉ लाइन, मेरे तो डबल चिन है, इसके लिए मेरे जॉ लाइन में भी कंट्रोल करते पड़ती है। देन उसके बाद मैं ब्लेंड कर लिया जो ब्लेंडिंग ब्रश है उसके मदद से, वो है पैक का। देन उसके बाद मैं ऑल ओवर मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ दो एक चीज़ एक साथ, जो है वेट एंड वाइल्ड का पाउडर एंड कॉन्टोर जो पैलेट होता है उसके साथ ही मैं आज काम चला लिया बिकॉज 500 रुपीज़ के अंदर ही सब लोग कुछ रखना है, इसके लिए थोड़ा सा बजट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैं ऑल ओवर फेस को सेट करने के लिए इस पाउडर को यूज़ किया है एंड उसके बाद मैं कॉन्टोर को सेट करने के लिए, आप लोग कॉन्टोर
क्रीम कंटूर भी कर सकते हैं एंड पाउडर कंटूर भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक भी कर सकते हैं। सो मैं वेटल वाइट के पहले से कंटूर पाउडर के लेके कंटूर को क्रीम कंटूर को सेट करने के लिए यूज़ किया है, उसके ऊपर ही जो जो एरिया पे मैं क्रीम कंटूर किया था। सो बहुत अच्छी तरीके से सेट करना पड़ेगा बिकॉज वो तो क्रीम था इसके लिए। वन टू द आई मेकअप। सो सबसे पहले मैं आज आईब्रो नहीं किया, सबसे पहले आईब्रो करूँगी। सो आज मैं आईब्रो के लिए भी नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ जो है मिस क्लेयर का आईब्रो ब्राउ पेंसिल वाटर प्रूफ। बहुत ही अच्छी एक पेंसिल है एंड बजट फ्रेंडली है, और उसके साथ भी आप लोग स्पूली पाएंगे। सो जिन लोगों के पास स्पूली नहीं है सो उन लोगों को बहुत हेल्प होगा। सो बहुत अच्छी एक पेंसिल है रेगुलर यूज़ बेसिक से यूज़ करने के लिए। बहुत अच्छे इस तरीके से आईब्रो मेरा ड्रॉ हो गया। देन उसके बाद मैं मूव ऑन करती हूँ आई मेकअप की तरफ। बेस क्रिएट कर लिया था फाउंडेशन जब अप्लाई किया था। सो मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लेजेट का पैलेट यूज़ किया है। सो क्रिस्क में अप्लाई कर रहा हूँ एक पिंकी शेड, लाइट पिंक शेड जो क्रीज में मैं अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद मैं यूज़ किया है एक पर्पलिश टाइप्स का शेड जो क्रिस्क की थिक नीड्स से अप्लाई कर लिया, यानी कि मैं आउटर कॉर्नर पे ही रख के बहुत अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर लिया था। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखना स्किन पे। देन उसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं यूज़ किया है। सो मैं कट क्रीज करने की कोशिश किया है, यानी कि कट क्रीज किया है। सो इसके लिए मैं कॉन्सलर से जो भी प्रोडक्ट था एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर दिया था बिकॉज मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी इसके लिए। सो मैं ग्लिटर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया है एक गोल्डन ग्लिटर, उसको बेस करके मैं स्विस ब्यूटी का एक ग्लिटर पैलेट यूज़ किया है जो लिक्विड होता है ब्रश की मदद से। मैं इसमें देना भूल गया बट लिंक प्रोवाइड कर दूँगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सो मैं बहुत अच्छी तरीके से लिक्विड ग्लिटर का अप्लाई किया, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना नहीं तो स्टिक हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आईलाइनर के लिए यूज़ किया है लैक्मे का आईलाइनर, बहुत ही बजट फ्रेंडली एंड टिकाऊ आईलाइनर, बहुत दिन चल जाता है, मेरे तो 2-3 साल हो गया। सो मैं आईलाइनर का थोड़ा मोटा अप्लाई किया है बिकॉज लैशेस पड़ने के वजह से आईलाइनर नहीं दिखता इसके लिए। एंड मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फेसेस कनाडा का मस्कारा, ये भी बहुत अच्छा एक मस्कारा है, वाटरप्रूफ नहीं है बट आपका लैश पूरी बिल्कुल वाटरप्रूफ ही लगेगा। देन उसके बाद मैं मेरे ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रहा हूँ हाईलाइटर की मदद से, एंड मेरे अंडर आई यार जो आई मेकअप था उसको भी मैं कर रहा हूँ, जो मैं आउटर कॉर्नर पे कलर दिया था यानी कि पर्पलिश कलर उसको ही अप्लाई किया। एंड फिर कनाडा का काजल थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, बहुत ही डार्क करके नहीं अप्लाई किया है। सो मेरे आई मेकअप हो गया, मेरे आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया। सो जो भी और मेकअप बाकी था यानी कि जो पाउडर एक्सेस था उसको मैं एक ब्रश की मदद से हटा रहा हूँ। देन उसके बाद मैं ब्लश के लिए अप्लाई किया है सुगर का ब्लश, बहुत ही अच्छे एक ब्लश है, इसका सिंगल स्ट्रोक मिलता है, मेरे पास सिंगल स्ट्रोक नहीं है, मैं 3 सेट एक साथ लिया था। सो इसके लिए मैं यही दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद मैं सेटिंग्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 20 समथिंग का सेटिंग्स जो निधि कटिया ने लॉन्च किया वो। देन उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इसिभाना का हाइलाइटर, ये भी बहुत अच्छा एंड बजट फ्रेंडली हाइलाइटर है। यूजुअली जो पॉइंट पे मैं हाईलाइट करती हूँ वो पॉइंट पे ही मैं हाईलाइट किया है। सो मैं आज जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। देन उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए ये मैं ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस किया था। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप गाइस आप लोगों को इस लुक पसंद आया होगा एंड बहुत ही जल्दी हो जाता है जो आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके करना था एंड खूबसूरत आउटपुट आएगा। और भी न्यू वीडियो लेके चली आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।